हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि कंप्यूटर पावर केमिस्ट्री का है। और इससे पहले मैंने जो है फर्स्ट सेम का बनाया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहे थे और काफ़ी सारे लगभग प्रश्न सभी के सभी फंसे थे। इस प्रकार यहाँ पर जो है सेकेंड सेम के भी आल आल पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम अपलोड कर रहे हैं और ये है लास्ट पेपर कंप्यूटर पावर केमिस्ट्री के। इससे पहले जो है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिजिकल, इन सभी के मैंने अपलोड कर दिए। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है और ज़्यादा है तो डिस्क्रिप्शन भी आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर भी हो सकता है मैं दे दूँगा, ठीक है। बाकी लास्ट में एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, इसलिए आपको वीडियो अंत तक देखना है। लास्ट में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जो है सारे सब्जेक्ट के आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को, इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ के आप जो है पेपर में अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पर ला सकते हैं 2024-25 में। तो भाई वीडियो को आपको अंत तक देखना है और चैनल पे पहली बार आए तो आपको प्लीज़ सब्सक्राइब आपको कर लेना है, आपका ही फ़ायदा होगा और साथ में मेरा भी फ़ायदा कुछ होनी चाहिए, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए वीडियो स्टार्ट हम करते हैं, ठीक है, अंत तक आपको बने रहना है। क्या हो गया, हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पीडीएफ, हाँ ये आ गए हम पीडीएफ की ओर, ठीक है। एमएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्यूटर फॉर केमिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको एक बात और बता दो, हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स चाहिए कोई भी सेमेस्टर के, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के, तो आप जो है हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं कम कीमत पर। और नोट्स के साथ में अच्छी बात यह है कि पुराने पेपर आपको फ्री में दिए जाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्री में दिए जाते हैं, और यहाँ तक कि कुछ सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव अगर चाहिए तो ऑब्जेक्टिव भी हम दे सकते हैं, ठीक है। तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जो है नोट्स ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी सुविधा है कि आपको जो है पुराने पेपर मिल रहे हैं और साथ पे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये जो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ना, अगर आप नोट्स परचेस करते हैं तो आपको ये फ्री में दिया जाएगा, ठीक है। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पर पेपर भी अवेलेबल है और आपको जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, लेकिन जो है आपको काफ़ी बड़ी बड़ी वीडियो देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप नोट्स परचेस करते हैं तो आप जो है पीडीएफ में ही आप सब चीज़ देख पाएंगे और नोट्स भी आपको मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश मिक्स वाली। चलिए भाई वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। नोट यहाँ पर दिया हुआ है, ऑल क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल यूनिट सेलेक्टेड लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, मतलब जो है सभी यूनिट से लॉन्ग और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। अगर आप जो है इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ते हैं तो आप जो है अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पर ला सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे हम क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, एक्सप्लेन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड गिवन इट्स एडवांटेज। आपको पेन कॉपी लेकर बैठना है, मैं पहले की तरह बोल रहा हूँ, पेन कॉपी लेकर बैठना है या आप जिससे भी स्टडी कर रहे हैं वहाँ पर टिक मार्क कर लेना है, ठीक है। और टिक मार्क नहीं कर रहे हैं तो पेन कॉपी पर नोट करते जाइए और इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। इन क्वेश्चनों को तैयार करके अच्छे खासे मार्क्स आप ला सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपका ये पढ़ के हो जाता है तो आप सारा सिलेबस पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस सिंबल यूज फॉर ड्राइंग द फ्लो चार्ट चार्ट, ठीक है। अगला यहाँ पर तीसरे नंबर का प्रश्न है, क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी डिस्कस प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी पूछ लेता है क्या होता है, वही तैयार कर लेना है। क्वेश्चन चौथा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूनिक्स। पांचवा दिया है, एक्सप्लेन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस इन डिटेल, ठीक है। कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं समझाना था और समझाना है। क्वेश्चन सिक्स है, एक्सप्लेन कंप्यूटर मेमोरीज, भाई कंप्यूटर मेमोरीज क्या होती है आपको समझाना है। सातवें नंबर का प्रश्न है, शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग, सभी दोस्तों को आपको शेयर भी कर देना है। शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग, पहला है गो टू स्टेटमेंट, दूसरा है आई एफ स्टेटमेंट, तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है फंक्शन स्टेटमेंट, और चौथा यहाँ पर डू स्टेटमेंट, चौथा यहाँ पर फंक्शन स्टेटमेंट, और पांचवा है ब्रांचिंग स्टेटमेंट। सिक्स नंबर पर दिया है रैम स्टेटमेंट, मतलब जो सभी प्रकार के स्टेटमेंट तैयार कर लेना है, दो स्टेटमेंट आपका कोई भी पूछ लेता है, एक या दो, तो तैयार आपको सभी के सभी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर आठवें पर आता है, एक्सप्लेन डिफरेंट वेरिएबल इन
हॉर्टन विद एक्सप्लेन सॉरी एग्जाम्पल। 9वें नंबर का प्रश्न है, राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन द नॉर्मलिटी। ठीक है, 10वें नंबर का प्रश्न है, ब्रीफली डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन केमिकल। यहाँ पर 11वें नंबर का प्रश्न है, राइट डिफरेंट डाटा टाइप इन सी लैंग्वेज विथ द यूज। ठीक है, सी लैंग्वेज कोडिंग से रिलेटेड है, क्या होता है इसके यूसेस वगैरह आपको तैयार करना है। 12वें नंबर का प्रश्न है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। 13वें नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन द क्या मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। 14वें नंबर का प्रश्न है, डेवलप अ प्रोग्राम फॉर डिटरमाइनिंग द फर्स्ट ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट। 15वें नंबर का हमारा प्रश्न आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी थ्री ऑफ फॉलोइंग। एनी थ्री पर आपको नोट लिखना है, डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड पैकेज। और 2वें नंबर पर है एमएस वर्ड। 3रे नंबर पर है मेनी टाइप ऑफ चार्ट। ठीक है, चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, और चार्ट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन एमएस एक्सेल। 4थे नंबर पर है स्टैंडर्ड प्रोग्राम, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5वें नंबर का प्रश्न है, सिंपोसन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड। अगला यहाँ पर 16वें नंबर का प्रश्न हमारा आया हुआ है, एक्सप्लेन एमएस एक्सेल एप्लीकेशन और एग्जाम्पल। ठीक है, एमएस एक्सेल का एप्लीकेशन भी तैयार करना है और एग्जाम्पल सहित। 17वें नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, राइट डिस्क्राइब डाटा प्रोसेसिंग विथ देयर बेनिफिट्स। ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग का बेनिफिट क्या है और उसको जो है डिस्क्राइब आपको करना है। 18वें नंबर का प्रश्न है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। भाई पीडीएफ क्या होता है ये तो सभी को पता है, और दूसरा ओएमआर ये भी सभी को पता है, वेबकैम ये क्या होता है ये भी आपको समझाना है। ठीक है, वेबकैम एक प्रकार का कैमरा है, ठीक है, जिसको हम अलग से लगाते हैं, एक कंप्यूटर या लैपटॉप में अलग से लगा सकते हैं लाइव स्ट्रीम करने के लिए या जो भी है वीडियो बनाने के लिए। 4थे नंबर पर है स्कैनिंग, तो स्कैनिंग आपको पता ही है, तो ये सभी बहुत ही सिंपल है, उतना भी ज़्यादा कठिन नहीं है आपका कंप्यूटर फॉर केमिस्ट्री। 19वें नंबर का यहाँ पर आ जाता है, व्हाट इज इंटरनेट एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन। इंटरनेट काफ़ी पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कई बार पुराने समय में पूछा गया है। ठीक है, इंटरनेट क्या है, आप तो यूज़ कर ही रहे हैं, और इसका एप्लीकेशन वगैरह आपको तैयार कर लेना है, यूज़ क्या है, इसके जो भी हैं प्रभाव क्या है, दुष्प्रभाव। 20वें नंबर का प्रश्न है, राइट एप्लीकेशन ऑफ सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन फॉर केमिस्ट्रीज एक्सप्लेन। ठीक है, केमिस्ट्रीज एक्सप्लेन। तो ये थे हमारे 20 प्रश्न, चूंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑल प्रश्नों को आपको तैयार करना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। और अभी तक के जिसने भी भाई जिस भी भाई बहन ने सब्सक्राइब नहीं किया है मोबाइल स्टडी पॉइंट चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो है सभी सेमेस्टर के नोट्स और पुराने पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सभी सेमेस्टर के मैं अपलोड कर रहा हूँ, आपका ही फ़ायदा होगा और मेरा भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए भाई, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए कम। और नोट्स लेना है तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स। ठीक है, कम कीमत पर मिल जाएगा, पेपर भी मिल जाएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। बाकी ऑल सब्जेक्ट के मैंने अपलोड कर दिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर पेपर आईएमपी क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। बाकी ऐसा है, नोट्स के साथ में अगर हम देंगे तो आपको जो है लॉन्ग लॉन्ग वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, आप डायरेक्टली पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।